अब जब जब यानी कि ये मुझे ऑफिस में बुलाए तो मार पीटा के सिवा कोई बात ही नहीं करते थे। तो उस वक्त मैंने फिर उनको आखिर में बोल दिया कि भाई आप मुझे मारो मत, अगर मारनी है तो गोली मार दो, लेकिन मुझे इतना परेशान, इतना टॉर्चर मत करो। चौबीस सितंबर सन 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर जिहादियों ने आक्रमण कर दिया। The unfortunate events of 2002 Gujarat were a national tragedy that not only claimed lives but also victimized the innocent. The Supreme Court has said that it expresses anguish on incompetence of investigating agencies and police caught innocent people instead of booking real culprits. For Adam Ajmeri, who was sentenced to death in the 2002 Akshardham temple terror case, it's a new lease of life. Adam Suleiman Ajmeri was one among the six who were accused in the Akshardham temple attack, but later acquitted. He recalls the horror that unfolded on the night of his arrest, when he was blindfolded and taken for questioning by the officers of crime branch. उन्होंने बोला, बोले कि तू ये जितने भी जो है ना 2002 के बाद जो ट्रेन चली गोधरा की 2002 के अंदर, तो उस ट्रेन के बारे में क्या जानता है। मुला साहब, इस ट्रेन के बारे में इतना ही जानता हूँ कि ट्रेन जली हुई है और इतने आदमी जले हुए हैं। अब कौन है, क्या है, कैसा है, मुझे मालूम नहीं है, मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ। तो बोले अच्छी बात है। अच्छा, फिर हरेन पंड्या के बारे में क्या जानता है। मुला हरेन पंड्या के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अखबार में पढ़ा था, वो होम मिनिस्टर थे और उनका मर्डर हो गया है। अच्छा, बोले टिफिन बम के बारे में क्या जानता है। मतलब टिफिन बम, तो बोले बसों के अंदर जो टिफिन बम जो ब्लास्ट हुए थे, तो उस दौरान भी मैंने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सूरत का केस था हसमुख लाल वाला करके, उसके बारे में पूछा। फिर जिहादी षड्यंत्र के बारे में पूछा। ऐसे जितने भी जो पोटा के तहत जितने भी केस लगते थे, उन लोगों ने केस के बारे में पूछा। और वो केस तो उन्होंने ये बताया, बोले कि भाई ये केस तू अगर कुछ नहीं जानता तो फिर हम तेरे को जानकारी दे देते हैं, तुझे कौन से केस में जाना है, इतने सारे केस हैं। तो मैंने साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोई केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो फिर आप मुझे इस तरह से क्यों मैंने गुनहगार बना रहे, मुझे आरोपी क्यों बना रहे। तो बोले बस हमारी मर्जी, हम बनाएंगे। बोले फिर मुझे मार पिटाई शुरू की। तो ऐसे ऐसे करते करते तकरीबन नहीं तो 4 से 5 दिन तो इतना है ना मुझे मारा पीटा है कि मैं हालत है ना मेरी ऐसी हो गई थी कि पतलून मेरी जो पैंट जो थी वो चमड़ी के साथ है ना उखड़ती थी और ब्लड पीछे इतना सारा निकल रहा था। अब ना मेरे घर वालों को पता था ना मुझे पता था कि मुझे यानी कौन से केस में डालेंगे, क्या करेंगे। अब मेरे घर वालों से मैं मिलने की कोशिश करता था, लोग मैं बोलता था कि मेरे घर वालों से मिलना है, तो मुलाकात नहीं कराते थे। तो उस दौरान उन लोगों ने फिर बोला, बोले कि इसको अक्षरधाम के अंदर फीड कर दो, बोले ये अपना काम हो जाएगा। बोले Adambhai's forceful accusation in the case not only robbed him of 11 years of life but also put his family through immense trauma and hardship. पुलिस वाला रात को 2 बजे आवा 3 बजे आवा, सारा मेरे सामान नीचे फेंके, हमारी पेटियां कपड़ा सब ढीला कर, बच्चा खावा ना खावा ना सो जावा, त्यौहार आवा जब भी बच्चे रोवे, पप्पा कहाँ गए, कपड़े दिला ना, मम्मी पप्पा को बुला ना, कपड़े दिला, मम्मी पप्पा को बुला ना, कुछ अच्छा ही ना लगे ना पड़ो, जैसे क्या कर रहे हैं, कई बात मेरे को खराब भी विचार आवे, जैसे आपघात करके मर जाओ, कहीं नदी में भूसका मारू, कहीं कुछ करूँ, किस तरह करूँ, कितने बच्चे मैं किस तरह पालूंगी, किस तरह बढ़वाएंगे, क्या करूँ, किस तरह खिलाऊ। Circumstances pushed Adambhai's young children to quit school and help their mother. घर में आके एक ही बात बोलता था उसकी अम्मी को कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसकी अम्मी पूछे क्यों नहीं जाएंगे, बोले मुझे सब चिढ़ाते हैं। तो बोले चिढ़ाते हैं, बोले कि तेरा बाप आतंकवादी है, तू तो आतंकवादी नहीं है। सब भाई बहन छोटे थे,
कैसे काम करना, क्या मम्मी के साथ में जाते थे काम करने के लिए, वही खाने के लिए भी तरसते थे हम लोग कि हम कैसे खाना खाए, कोई आजू बाजू से आके कोई खाना देगा तो हम लोग खाएंगे, इतने तरस रहे थे हम 12 साल के अंदर। वही कपड़े धोने के लिए जाओ, कोई जूता दे देता था तो वो भी खा लेते थे हम लोग, हम जूता खा लेते। अभी तो देखो कुछ मेहनत ही नहीं कर सकता, हाथ पांव तो बिल्कुल लूले ही इनके, ये छोकरा तो मेरा घर चलता है। मैं सिलाई काम कर दूं, मैं कुछ महीने 5-6 हजार रुपए जैसे कमा लेता हूं। अभी मैं जेल से छूट के आया हूं, अभी मुझे कुछ काम करना है। मैंने काम के लिए नौकरी के लिए तलाश भी की, लेकिन मेरे लायक ना कोई काम है ना कोई नौकरी है। दोस्त लोगों ने भी जब अंदर था तो घर वालों को मदद कर देते थे, लेकिन अब बोले तू आ गया है तो अब तू खुद ही कर ले सब, जो भी कुछ करना है वो। तो जो अंदर था उससे ज्यादा तकलीफ अभी और बाहर आने से हुई है। Although Adambhai has found his freedom after 11 years, his hardships continue. He struggles to get his life back together and provide for his family. मुझे गाय भैंसों का तबेला डालने का यानी पूरी यानी कि उम्मीद है कि मैं कुछ भी यानी कि 6 महीने साल के अंदर कभी भी यानी काम करूंगा तो ये करूंगा, और मुझे थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज भी है। आज डेयरी उद्योग का मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि आदमी एक दो गाय भैंस भी रखने वाला भी सुखी इंसान कहलाता है। मेरे पास तो अभी कुछ एक पैसा भी नहीं है, मैं पैसे के लिए तो अभी भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई जगह से ऐसा नहीं हो आया जब से कि कोई मुझे पैसा देने वाला मिले, क्योंकि इतनी बड़ी रकम होती है कि लाखों के हिसाब से होती है। अब 5-7 लाख रुपये भी अगर मैं किसी से मांगने जाता हूँ तो आदमी तुरंत फटाक से बोल देता है, बोले कि हम धंधा तेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तू अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तो इस पैसे इस धंधे के लिए पैसे की सबसे पहले जरूरत तो है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि यानी ये धंधा सोचते सोचते कभी मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। Adambhai's hope is to make up for the years lost in prison and secure his family for the times ahead. A difficult task unless we as fellow citizens also contribute. We can help Adambhai reclaim whatever is left of his life by supporting his new endeavor for a livelihood.